नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से नया पाठ सीखने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 9, रैदास के पद। बच्चों, आज हम रैदास जी लिखित पदों के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रैदास जी के जीवन के बारे में। संत कवि रैदास जी का जन्म काशी में मडुवाड़ी के पास सन 1440 में हुआ था। संत रैदास पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु कबीर जी के समान बहुश्रुत थे। इन्होंने स्वयं अपनी जात समार बताई है। 120 वर्ष की अवस्था में सन 1560 में इनकी मृत्यु काशी में बताई गई है। कबीर जी के समान संत रैदास भी ईश्वर को निर्गुण या निराकार बताते हैं। इनकी भाषा शैली में कृत्रिमता से रहित अत्यंत सरल तथा सुबोध है। उस समय बोलचाल में फारसी का बड़ा महत्व था और इसी कारण इनके जो पद हैं, उनमें हमें फारसी के शब्दों की अधिकता दिखाई देती है। इस पदों को पढ़ने से पहले इस पदों का केंद्रीय भाव हम समझ कर लेते हैं। जब भक्त के हृदय में एक बार अपने आराध्य के नाम की रट लग जाए, यानी आराध्य यानी अपने ईश्वर के नाम की रट लग जाए, तब वह छूट नहीं सकती। कवि रैदास जी प्रभु का अनन्य भक्त बन चुके हैं। आत्मा का परमात्मा से अटूट संबंध होता है, इसीलिए भक्त रैदास भी अपने आराध्य से यानी अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ा ही मानते हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि रैदास जी ने अपनी तुलना अपने आराध्य से करते हुए उनका स्मरण कर रहे हैं। वे विभिन्न उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि यहाँ पर रैदास जी ने अपने आराध्य देव से जो अटूट रिश्ता बताया गया है, वो रिश्ता किस तरह से है, उसके लिए उन्होंने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं और उस रिश्ते को समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर रैदास जी का पहला पद हम पढ़ते हैं। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। चलो बच्चों, अब हम यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं, उनके पहले शब्द के अर्थ को समझ कर लेते हैं और फिर हर एक पंक्ति से उसका भावार्थ समझ कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर रट लागी यानी आदत लगना, जाकी यानी जिसकी, बास यानी गंध स्मेल, समानी यानी समा जाना, चितवत यानी निहारना अथवा देखना, चकोर यानी तितर की तरह एक प्राणी है, बाती बाती यानी बात जो रुई की होती है, हम दिए में जलाते हैं, ज्योति यानी लो यानी आप जो है, बड़े यानी बढ़ना, सो नहीं यानी सोने से, दासा यानी सेवक। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु जी के बारे में यानी अपने आराध्य के बारे में उसका अटूट संबंध रैदास जी ने किस तरह से बताया है। तो उन्होंने पहले पंक्ति में जैसे कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यानी यहाँ पर कवि भक्ति के माध्यम से अपने ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है, वह अब छूट नहीं सकती।
वह तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। तुम में और मुझ में ऐसे संबंध स्थापित हुए हैं कि जैसे चंदन और पानी में होता है। चंदन पानी में उगलने से पानी भी उसकी तरह सुगंधित होता है, उसी तरह तुम मेरे अंग अंग में ऐसे समा गए हो कि अब तुमसे अलग होना मुश्किल है। यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस तरह से बच्चों में पता है पानी को ना रंग होता है, रूप होता है, ना गंध होता है, लेकिन जो चंदन है उसे रंग है, गंध है। लेकिन यही चंदन जब हम पानी में उगाते हैं और उगाड़ते हैं, तब उसका रंग, उसका गंध ये पानी में इतना घुल जाता है कि उससे पानी अलग और चंदन अलग करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से रैदास जी ने भी यहाँ पर बताया गया है कि मैं पानी हूँ ना, मुझे पहले कोई गंध था, ना मेरा कोई अस्तित्व था, लेकिन जब मैं तुम्हारे सान्निध्य में आ गया हूँ, यानी ईश्वर को उसने चंदन का रूप बताया है कि चंदन यानी जब तुम मेरे अंदर घुल गए, मैं तुम्हारी भक्ति करने लगा हूँ, तो मुझे भी तुम्हारी क्या लगी है, गंध लग चुकी है, अब वो अलग होना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से यहाँ पर पहले पंक्ति का जो भावार्थ है यहाँ पर रैदास जी हमें समझा रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा। तो कहते हैं कि हे प्रभु तुम बादल हो और मेरा मन मोर है, जो तुम्हारी भक्ति के गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। जैसे चकोर चांद को एक टक निहारता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। यानी यहाँ पर चकोर एक तितर पक्षी की तरह होता है जो चांद के प्रेम में इतना डूबा होता है, उसकी सुंदरता में, तो वो चांद को बिना पल के झपके ऐसे देखता रहता है। उसी तरह से रैदास जी कहते हैं कि मैं चकोर हूँ और तुम चांद हो, तुम्हारी सुंदरता में मैं इतना घुल मिल गया हूँ कि मैं बिना पल के झपके तुम्हें एक तक देखता रहता हूँ, निरंतर देखता रहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी भक्ति का प्रमाण देते हुए रैदास जी ने यहाँ पर कहा है। और आगे वे कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक की तरह हो और मैं उस दीपक में जलने वाली जो बात है रुई की, उसकी तरह मैं दिन रात भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाता हूँ। तो इस तरह से उसने कहा है कि जिस तरह से ये दीपक है, दिया होता है, दिया में जो हम बात लगाते हैं, वो बात जिस तरह से जलती है, और वो तब जलती है जब वहाँ पर वो दिया होता है, दिए में हम तेल डालते हैं, उसी के कारण वो बात वहाँ पर जलती है। और यहाँ पर इसी तरह से उन्होंने कहा है कि तुम्हारे कारण मुझे महत्व प्राप्त हुआ है और मैं उस बात की तरह क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति के आस में अपना अस्तित्व जला रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर रैदास जी ने कहा है। आगे वे कहते हैं, हे प्रभु तुम मोती के समान हो और मैं धागा हूँ। तो धागा पता है एक मामूली सा, जिसका मोती का जितना मोल होता है उतना उस धागे का नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर रैदास जी ने अपने ईश्वर को मोती का रूप बताया है, मोती का प्रमाण बताया है, और उन्होंने कहा है कि मैं कौन हूँ, तो एक धागा हूँ। जैसे कि तुम मोती की तरह उज्जवल हो, पवित्र और सुंदर हो, और मैं उस मोती में पिरोया हुआ एक साधारण सा धागा हूँ। देखो जैसे कि मोतियों की माला रहती है, उन मोतियों की माला जो जिस धागे में पिरोई गई होती है, उस धागे का भी मोल उतना ही तोला जाता है जितना उन मोतियों का। इस तरह से यहाँ पर रैदास भी कहते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा महत्व इस समाज में, इस संसार में बहुत बढ़ चुका है, मौल्यवान है। तो ये सब किसके वजह से है, तो तुम्हारे ही कारण हो रहा है। और इसीलिए वो अपने ईश्वर को कहते हैं कि तुम मोती हो और मैं उसमें पिराया हुआ एक साधारण सा धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागे के समान है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना अधिक खरा हो जाता है,
उसी तरह से मैं हूँ, तुम सुहागे के सुहागे हो और मैं तुम्हारे संपर्क में आने से और अधिक चमकने लगा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर रैदास जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका और उनके ईश्वर का संबंध कितना अटूट सा बन गया है। आगे कहते हैं उसका, हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तुम हमेशा मेरे स्वामी मेरे मालिक रहोगे, मेरे गुरु होगे और मैं हमेशा तुम्हारा भक्त रहूंगा, दास्य बनकर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा, भक्ति रूपी सेवा ही करता रहूंगा और यही भक्ति तुम्हारे लिए पूरी तरह से तुम्हारे लिए अर्पित है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरी भक्ति तुम्हारे लिए अर्पित ही हो जाएगी। तो इस तरह से पहले पद में हमें रैदास जी ने अपने और अपने ईश्वर के अटूट संबंध को बताने के लिए इस तरह से उन्होंने मोती का, चंदन और पानी का, चांद और चकोर, दीपक और बाती, इन सब का उदाहरण देकर हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। चलो अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं रैदास जी का। रैदास जी का दूसरा पद है, ऐसा लाल तुझ बिनु कौन करे, ऐसा लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाके छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचन सदना सेनु तरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभी सरे। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। लाल यानी स्वामी यानी ईश्वर को संबोधित किया हुआ है, गरीब निवाजू ये भी दीन दुखियों पर दया करने वाला यानी अपने ईश्वर को ही उन्होंने यहाँ पर गरीब निवाजू कहकर संबोधित किया हुआ है, गुसैया यानी स्वामी यानी यहाँ पर भी ईश्वर ही है, छोटी यानी छुआछूत, जगत कऊ लागे यानी संसार के लोगों को लगती है, तापर तू ही डरे, तापर तू ही डरे, इन पर इसका अर्थ है उन पर द्रवित होता है, नीच हूँ ऊंच करे यानी नीच को भी ऊंचा पद देना, हरी जीव यानी हरी जी से। अब हम देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। भले ही इसकी भाषा जैसे हमने कहा था कि बहुत सी फारसी भाषा यहाँ पर आ गई है, इस्तेमाल की गई है, लेकिन उसका भावार्थ जब हम देखेंगे वो बहुत ही आसान है। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि मेरा ईश्वर निम्न कुल के भक्तों को समभाव स्थान देने वाले प्रभु का गुणगान करते हुए वे कहते हैं कि हे स्वामी यानी हे ईश्वर, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। यानी कि यहाँ पर रैदास जी ने जैसे पहले ही कहा है कि वे उन भक्ति काल के थे जब इस संसार में छुआछूत माना जाता था, उन्हें कहीं भी किसी भी पूजा अर्चना में स्थान नहीं दिया जाता था और ऐसे ही समय में यहाँ पर ईश्वर ने रैदास जी के ऊपर कृपा दी है और उन्हें भक्ति करने का एक मौका दिया है और उन्हें बहुत बड़ा महत्व प्रदान किया है इस संसार में, इसीलिए वो अपने ईश्वर से कहते हैं कि ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। हे गरीब निवाजू, वो अपने ईश्वर को संबोधित कर रहा है क्योंकि वो दीन दुखियों पर दया करने वाला है, इसीलिए हे गरीब निवाजू तुम ही ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, उनके जैसा सम्मान प्रदान किया जिसे संसार अछूत मानता है। हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की,
मुझ पर द्रवित हो गए। हे गोविंदु, तुमने मुझ जैसे निम्न वर्ग के प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया, ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी भय नहीं लगा। तुम्हारी कृपा से नामदेव, कबीर जैसे सिलाई बुनाई करने वाले, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सेनु जैसे नाई संसार में डर गए। यानी इन लोगों को भी, ये जो यहाँ पर नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सेनु, इनका जो उल्लेख किया गया है, ये भी एक ऐसे ही निम्न स्तर के वर्ग के लोग थे, लेकिन इन्होंने भी, वो बहुत बड़े संत बन चुके थे इस संसार में। इनके आज कई गुण गाए जाते हैं, उनके जो दोहे हैं, उनके जो पद हैं, उन्हें आज भी दोहे के रूप में, एक नीति परक दोहों के रूप में उसे आज संसार में अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने ये उनके भी उल्लेख यहाँ करते हुए रैदास जी ने कहा है कि जिस तरह से तुमने मुझे संभाल लिया, मुझे उच्च पद बना दिया, उसी तरह से नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सेनु जैसे लोगों को भी इस संसार में तुमने बहुत बड़ा महत्व प्रदान किया है। भक्ति का एक बहुत बड़ा स्थान देकर उनका भी नाम तुमने रोशन कर दिया है इस संसार में। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रैदास जी कहते हैं कि संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर रैदास जी यही समझाना चाहते हैं कि ईश्वर कभी मनुष्य में भेदभाव नहीं करता है, ऊंच नीचता नहीं मानता है। ये जो ऊंच नीचता मानी गई है, ये केवल इस संसार के लोगों ने अपने भलाई के लिए उसे इस्तेमाल किया हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पर ये रैदास जी हमें इन आखिरी पंक्तियों में यही समझाना चाहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी यानी ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ होता है, वे कुछ भी कर सकते हैं। एक वो कुछ भी कर सकते हैं यानी उन्होंने सबको समान दर्जा दिया गया है, लेकिन लोगों ने ही इस तरह से इस समाज में, इस संसार में ये दो प्रकार की विषमता बनाई गई है, ऊंच नीचता की, अमीर गरीबी की। लेकिन यहाँ पर ईश्वर दयालु है, वो सबके ऊपर समान कृपा करता है। तो इसी तरह से अपने ईश्वर के गुणगान गाते हुए रैदास जी ने अपने दूसरे पद में अपना जो ईश्वर है, उस ईश्वर को गरीब निवाजू, गोविंदु, हे लाल, गुसैया, ऐसे अनेक नामों से संबोधित करते हुए यहाँ पर उनका गुणगान किया हुआ है। तो बच्चों, हमारा ये जो पाठ नौवा है रैदास जी के पद, वो यहाँ पर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।